जयपुर में दिल्ली श्रद्धा मर्डर जैसा हत्याकांड सामने आया। यहां एक इंजीनियर ने अपनी सगी ताई की सिर फोड़कर हत्या कर दी। रसोई में मर्डर करने के बाद आरोपी बॉडी को घसीटकर बाथरूम में ले गया, फिर बाजार से लोहा काटने वाला ग्राउंडर लाया। इससे शव के 8 टुकड़े कर ट्रॉली बैग में भरे और मौका पाकर इन्हें दिल्ली सीकर हाईवे पर 3 अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने बताया कि वारदात विद्याधर नगर के सेक्टर 2 में 11 दिसंबर को हुई। मृतक सरोज देवी 62 वर्षीय, उसकी बेटी पूजा शर्मा 38 वर्षीय और मोनिका ने इस मामले में शुक्रवार को अपनी मां की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने चचेरे भाई अनुज शर्मा पर हत्या का शक जाहिर किया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूजा और मोनिका की शादी हो चुकी है और भाई अमित विदेश में रहता है। पूजा की ससुराल बीकानेर में है। उन्होंने बताया था कि उनके पिता की मौत 1995 में हो गई थी। मां सरोज देवी विद्याधर नगर में चाचा बद्री प्रसाद शर्मा के यहां रहती थी। कीर्तन में जाने से रोकने पर हत्या की। पुलिस ने बताया कि 11 दिसंबर की दोपहर को अनुज ने हत्या कर शव काटा। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी एक धार्मिक मूवमेंट से जुड़ा है। वह उसे अटेंड करने के लिए दिल्ली जाने वाला था, लेकिन सरोज देवी ने उसे रोका तो उससे गुस्सा आ गया। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के बाद उसने बॉडी को चाकू से ही काटने की कोशिश की, लेकिन हड्डियां नहीं कटनी तो वह ग्राउंडर ले आया। हत्या सुबह करीब 10:30 बजे की है। इसके 3-4 घंटे बाद तक वह बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कोशिश करता रहा। दिसंबर को थाना विद्याधर नगर में अनुज उर्फ अचिंत्य गोविंदास, इन्होंने बेसिकली थाने पर ये आकर रिपोर्ट दी थी कि उनकी ताई जी जो एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है वो मिसिंग है। इस पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर ली गई थी और तलाश इसमें शुरू कर दी गई थी। धीरे धीरे उनके बाकी भी रिलेटिव्स आ गए और उनके साथ तलाश की। देवीलाल हेड कांस्टेबल जो इस MTR के आयो थे, उन्होंने इस पर गहनता से जांच की और जब कुछ संदेहास्पद सी चीज़ें इसमें आने लगी तब उसको गंभीरता से इसका अनुसंधान किया गया और ओवरऑल अनुसंधान से ये पाया गया कि मृतका सरोज शर्मा जो कि 65 वर्षीय वृद्ध महिला है, उनके भतीजे जो मिस्टर अनुज शर्मा है, इन्होंने छोटी सी बात को लेकर कहासुनी को लेकर हथौड़े से उनकी हत्या कर ली और हत्याकारी करने के पश्चात इस जुर्म को छुपाने के लिए और इस जुर्म से बचने के लिए उन्होंने पहले तो चाकू लाया, चाकू से उसको कट करने की कोशिश की। असफल होने के बाद मार्केट से जाके मार्बल कटर वो खरीद कर लाए। मार्बल कटर से डेड बॉडी को पीसेस में इन्होंने काटा। बाल्टी में और सूटकेस बैग में और पॉलीथीन बैग में बॉडी पार्ट्स को इन्होंने डाला और उसके पश्चात ये वहाँ से निकलकर दिल्ली रोड पर जाकर इन्होंने शव के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगहों पर फेंका और उसको मिट्टी से ढक भी दिया ताकि वो मटेरियल सारा डिकम्पोज हो। इसके पश्चात जब कुछ चीज़ें जैसे कुछ जगह घर पर जब गहनता से देखा गया तो कुछ जगह खून के धब्बे नज़र आए और उसके बाद जो उसका पोस्ट कंडक्ट था उसको एक बार गहनता से देखा तब बाद में पता चला कि जो कंप्लेनेंट है इस MPR के जिन्होंने थाने पर आकर सूचना दी वही इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार है। अगर हम इनका जीवन परिचय देखते हैं तो मिस्टर अनुज शर्मा जो हैं ये BTech है। उसके पश्चात एक वर्ष प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के पश्चात इन्होंने फुल टाइम हरे कृष्ण मूवमेंट को ज्वाइन किया और वहाँ पे फुल टाइम ये अपनी सेवाएं दे रहे थे। और जो विवाद की मूल वजह अभी तक सामने आई है वो ये है कि कोई कीर्तन के लिए दिल्ली जाना था, इसके लिए इनकी ताई जी ने उन्होंने रोका और कहा कि भी आप बचाइए। उस चीज़ से अचानक अपना संयम इन्होंने खो बैठे और उन्होंने ये कृत्य कारित किया। इस कृत्य कारित करने के पश्चात दौरान भी और उसके पश्चात भी लगातार नॉर्मल ये व्यक्ति अपने अन्य साथियों से नॉर्मल बातें कर रहा था। इस बीच इसकी मुलाकात एक दो लोगों से भी होती तब भी ये पूरी तरह से नॉर्मल है और ये कृत्य कारित करने के बाद
जब ये छोटी मोटी संदेहास्पद चीज़ें सामने आने लगी और जब इंटरव्यू शुरू हुआ तब ये सारी चीज़ें इससे सामने आई, तो उससे ये सभी के लिए एक शॉकिंग फैक्ट था ये कि भाई भतीजे ने अपने ताई जी का इस प्रकार